एफ एंड एल एस, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चरशिप, इसके बीच में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इसके कुछ आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम प्राची है और मैं आप सबका अपने चैनल रिविजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। RF और LS, मतलब JRF और LS में क्या डिफरेंस है वो हम बात करने वाले। तो JRF और LS हमें पहले किस चीज के लिए एलिजिबल करती है वो हम देखेंगे। तो JRF का फुल फॉर्म आपको पता ही है क्या, ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब ही पता चल रहा है कि हम जो बड़े हमारे रिसर्चर या साइंटिस्ट होते हैं उसके अंदर हमें एक फेलोशिप के जैसे हम काम कर रहे होते हैं। और हमारा एलएस क्या होता है, लेक्चरशिप। अब हमें ये दोनों किस चीज के लिए अलाउ करते हैं, जो लेक्चरशिप होती है वो हमें टीचर बनाती है, टीचर का वहां पे इंस्टीट्यूट कॉलेज, और हमें एक परमानेंट और डिसेंट सैलरी के साथ हम वहां पे काम कर रहे होते हैं। तो पहले बात करते हैं हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। जूनियर रिसर्च फेलोशिप से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपनी पीएचडी या जो रिसर्च वर्क होता है उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट होते हैं या जो गवर्नमेंट फंडिंग वाली जगह होती है वहां से कर सकते हैं। अगर हमें सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ वगैरह जो एग्जाम क्वालिफाई किया होता है तो हम गवर्नमेंट फंडिंग वाली जैसे जगह पे हमें जेआरएफ के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबल होने के साथ साथ हमें क्या होता है, जो अगर हमारी पीएचडी सपोज 5 इयर्स की है तो पहले जो 2 इयर्स होते हैं वहां पे हमें 32,000 पर मंथ एक सैलरी मिल रही होती है, और जो बाकी के 3 साल है उसमें 35,000 to 36,000 पर मंथ हमें सैलरी मिल रही होती है। और हम अपना हमारा जो रिसर्च है पीएचडी का वर्क है उसे साथ के साथ कंप्लीट कर रहे होते हैं। अगर तो हमारी रिसर्च जो है या पीएचडी जो है 5 ईयर से एक्सीड करती है तो जो हमारी फंडिंग होती है उसमें थोड़ी सी कट ऑफ होती है। तो ये था हमारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में। तो अब आते हैं हमारे लेक्चरशिप के बारे में। तो लेक्चरशिप में क्या होता है, हमारा ये कोई आइडिया क्यों आता है कि हम जूनियर रिसर्चशिप या लेक्चरशिप क्यों करें। तो लेक्चरशिप से मैंने पहले ही बता दिया कि ये हमें एक टीचर बनने के लिए एलिजिबल करती है, जहां पे हम एक टीचर की नौकरी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने एलएस का जो भी एग्जाम है उसे क्वालिफाई कर लिया, तो पहले मैं बताती हूँ दोनों के कट ऑफ में क्या डिफरेंस होती है। जो भी एग्जाम्स होते हैं, ज्वाइंट एग्जाम होता है, यूजी सीएसआई एग्जाम होता है, जो ज्वाइंट एग्जाम होता है जो कि जेआरएफ और लेक्चरशिप दोनों के लिए होता है, तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं, और अगर हम सिंगल एलएस या जेआरएफ करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो पहले मैं बताती हूँ कि अगर हम अकेला लेक्चरशिप करते हैं तो हमें उसका क्या बेनिफिट होता है। तो लेक्चरशिप का बेनिफिट, अगर जैसे आपको जो भी कट ऑफ है आपने क्लियर कर लिया एग्जाम का और आपको लेक्चरशिप का लाइसेंस मिल गया, आप एलिजिबल हो गए, आप एलिजिबल हो गए लेक्चरशिप के लिए, आपको लाइसेंस मिल गया, तो ये आपके पास रहेगा लाइफ टाइम, ये आपके पास रहेगा तो लाइफ टाइम। अब इसके बाद आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस होगा कि हम किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या हमें जो भी हमारी नौकरी है वो परमानेंटली मिल जाएगी। तो इसका आंसर है बिल्कुल ही नहीं। परमानेंट कॉलेज में जाने के लिए क्या करना होता है, हमें पीएचडी करनी होती है। पीएचडी हमें उसी सब्जेक्ट में करनी होती है जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए। तो इसके बाद अगर आप कॉलेज में सोचोगे, किसी भी कॉलेज में, एनी कॉलेज में अगर आप सोचोगे कि आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी तो इसका आंसर है नो। आपको परमानेंट को नो, परमानेंट नहीं है, तो इसको परमानेंट को यस करने के लिए आपको क्या करना होगा, पीएचडी करनी होगी। पीएचडी उसी सब्जेक्ट में करनी होगी जिसमें आपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबायोलॉजी या जूलॉजी, आपने दोनों में से किसी में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसी सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन पोस्ट पीएचडी भी करनी होगी। उसके बाद जो होगा आप पूरे तरह से आप एलिजिबल हो जाओगे एक परमानेंट सैलरी के साथ किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। तो क्या इसके लिए क्राइटेरिया होते हैं लेक्चरशिप की,
ये क्राइटेरिया होती है। तो उसके बाद क्या आता है, ये बात हमारे, अब हमारे ज्वाइंट वाले का क्या फायदा है कि अगर जो हम ज्वाइंट एग्जाम देंगे यूजीसी एसआईआर का एग्जाम, जिसमें क्या होता है हम लेक्चरशिप और जो हमारा जीआरएफ है हम उन दोनों के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर तो आप जीआरएफ के लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको जो ऑटोमेटिक लाइसेंस है एलएस का वो आपको ऑटोमेटिक ग्रांट हो जाता है और आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम इन दोनों की ज्वाइंट एग्जाम की बात करें, ज्वाइंट एग्जाम, तो ज्वाइंट एग्जाम में क्या होगा, हम अगर हम जेआर जैसे इसकी कट ऑफ है एग्जाम की, जो भी हमारी कट ऑफ होगी एग्जाम की, जेआरएफ के लिए है 500 और हमारा एलएस के लिए है 480, दोनों की कट ऑफ है। अगर आप क्लियर करते हो 510 मार्क्स से भी, तो आप, अब तो हम जेआरएफ तो क्लियर कर लिया है तो ऑटोमेटिकली आपको एलएस का भी जो लाइसेंस है प्रोवाइड हो जाता है। इसको अगर क्या कर सकते हो, अपने पीएचडी वगैरह कर सकते हो, उसके बाद अगर आप एलएस के तरह ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एज ए एलएस ज्वाइन करके रह सकते हो, या किसी और चीज से ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो फिर उसके बाद आता है कि जेआरएफ जो होती है वो अलग अलग, उनके जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अलग एप्लीकेशंस होती हैं, अलग एग्जाम्स होते हैं। तो कुछ कौन कौन से अलग एग्जाम होते हैं, एग्जाम्स होते हैं वो आईसी एमआरएफ जेआरएफ होते हैं, आईसी एआरएफ जेआरएफ और डीबी टीजेआरएफ होते हैं। तो इन सबको हम अलग अलग क्वालिफाई कर सकते हैं, पर अगर हमें ज्वाइंट चाहिए लेक्चरशिप और हमारी जो भी जेआरएफ है, तो उसके लिए हमारा जो है यूजीसी एसआईआर नेट वाला, ये सब हमें क्वालिफाई करनी होती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे इंस्टीट्यूट या किसी भी कॉलेजेस में कई ऐसे टीचर्स प्रोफेसर हमें दिखते हैं जिन्होंने, जिनके पास लेक्चरशिप नहीं होती है। उनके पास लेक्चरशिप नहीं होती है तो उनका क्या डिसएडवांटेज होता है, तो मेनली वो कोई कॉन्टैक्ट से आए होते हैं मतलब, और उनका क्या होता है, जो भी जॉब होती है वो परमानेंट नहीं होती है और उनके जो सैलरी होती है वो भी हाफ होती है। अगर जैसे ही उनकी पीएचडी और एलएस उनको लाइसेंस मिल जाएगा तो उनका जो सैलरी वो डायरेक्ट जंप अप करता है। जैसे कि अगर 60,000 मिल रही है पीएचडी वालों को और जो हमारे जो नॉर्मल टीचर है वो ऐसे ही, अगर उन्हें 30,000 मिल रही है जैसे उनकी पीएचडी कंप्लीट होती है तो उनकी जो सैलरी है 30 से सीधा डबल अप 60 हो जाती है, फिर 2-3 ईयर्स में वो 80 हो जाती है। तो इस तरह से डेवलप करती है। तो मैं एक बार फिर से शॉर्ट बताना चाहती हूँ जो जेआरएफ और एलएस में हमारा क्या डिफरेंस हुआ। जेआरएफ और एलएस के लिए हमें क्या करना होता है, पहले एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। जो हमें एक जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो वो हमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अलाउ करती है, जिसमें हम अपने रिसर्च और पीएचडी को कंप्लीट कर सकते हैं रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट की फंडिंग की हेल्प से। और जो एलएस है उसमें क्या होती है, हमें लेक्चरशिप मिलती है जिसमें हम जाके कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं एज ए टीचर और एज ए लेक्चरर। उसके बाद होती है जो भी हमारे जूनियर रिसर्च में फर्ज में अगर फंडिंग मिलती है पीएचडी के लिए 5 साल के लिए, तो पहले 2 साल में हमें 32,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। उसके बाद क्या होता है, अगले के 3 साल में 35,000 to 36,000 थोड़ी बहुत वेरी करती है और उतनी हमें फंडिंग प्रोवाइड होती है और जो हम काम करते हैं। अगर हमारा जो पीएचडी है वो 5 साल से ज़्यादा एक्सीड करता है तो क्या होती है, वो हमारी जो फंडिंग है वो कट ऑफ होती है। उसके बाद आज हमारे लेक्चरशिप की बात है, तो सिर्फ जो एग्जाम होता है वो हमने क्लियर कर लिया, हम एलिजिबल हो गए टीचर्स के लिए, जो हमें लाइसेंस समझो मिल जाता है। तो क्या उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या उसके बाद हम किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी कॉलेज में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर होता है बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें परमानेंटली किसी भी कॉलेज में अप्लाई करना होगा तो हमें क्या चाहिए होगी, पीएचडी चाहिए होगी उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में हमारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद किसी भी कॉलेज में हमें एज ए परमानेंट जॉब मिल जाएगी। तो इसलिए कई बार बंदे सोचते हैं कि हम इसे ज्वाइंट क्यों ना करें, तो ज्वाइंट भी पेपर होता है यूजीसी एसआईआर जो मैं आपको बताया है। उसमें क्या होता है, हमें जैसे कि अगर आपने जेआरएफ का जो कट ऑफ है वो क्लियर कर लिया तो उसके साथ ऑटोमेटिकली आपको एलएस का लाइसेंस भी प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद एज फिर पीएचडी करते हो तो आप रिसर्च करते हो जूनियर से फेलोशिप रेप्यूटेड कॉलेज में, उसके बाद आप परमानेंटली किसी भी टीचरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका जेआरएफ के कुछ अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन के एग्जाम होते हैं, जैसे मैंने बताया आईसी एमआरएफ जेआरएफ, उसके बाद डीबीटी जेआरएफ, ये सब अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आपको जिसमें लेक्चरशिप चाहिए होता है तो यूजीसी एसआईआर नेट वाला होता है, उसमें आप हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया जैसे कि मैंने देखा कई टीचर्स वो ऐसे भी ज्वाइन करते हैं तो उनका क्या होता है, उनकी जो सैलरी होती है बहुत ज़्यादा ही हाफ होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो ये डिफरेंस है
समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, और एक लाइक के साथ मेरे चैनल को नए हैं आप सब तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।